हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल। तो मैं आज की इस वीडियो में पाइथन जो कलेक्शन से डेटा टाइप है उस डेटा टाइप को मैं इन डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं और उसका यूज हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में कितने टाइप के कलेक्शन टाइप्स होते हैं। ठीक है, पाइथन कलेक्शन डेटा टाइप्स, इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है अपना लिस्ट। ठीक है, सेकेंड आता है अपना टपल, थर्ड आता है अपना इसके अंदर सेट, एंड फोर्थ वन इज डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हम लोग कलेक्शन के अंदर डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो पाइथन के अंदर कितने डेटा टाइप हो गए? फोर डेटा टाइप्स। कलेक्शन के अंदर कितने हो गए? फोर डेटा टाइप, लिस्ट, टपल्स, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, तो लिस्ट का यूज जो है इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और टपल्स, सेट एंड डिक्शनरी का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी टॉपिक पे। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको लिस्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं लिस्ट को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग लिस्ट कैसे क्रिएट करें, जब भी हमें लिस्ट क्रिएट करना होता है तो हम लोग उस केस में हमें वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल नेम या फिर लिस्ट नेम विथ इक्वल टू साइन एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग उसको वैल्यू को पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, लिस्ट जो है वो अपना क्रिएट हो गया। ठीक है, वेरिएबल नेम्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अगर मुझे स्टूडेंट का लिस्ट डिक्लेयर करना है, स्टूडेंट लिस्ट, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू साइन करूँगा, जैसे सचिन हो गया, राहुल हो गया, ये सब वैल्यू में असाइन कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, लिस्ट जो है अपना स्टूडेंट लिस्ट का वो अपना क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख लिया कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। अभी हम लोग चेक करते हैं कि इसके प्रॉपर्टी कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो लिस्ट पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, लिस्ट के प्रॉपर्टीज कैसे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि ये जो है लिस्ट जो होता है ऑर्डर होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे वो वैसा ये लिस्ट के अंदर वो अपेंड हो जाएगा। सेकेंड होता है कि चेंजेबल, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ चेंजेबल। एंड थर्ड वन इज डुप्लीकेट। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब कैसे होता है, सपोज अगर मैं स्टूडेंट लिस्ट में डिक्लेयर किया और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू अगर ऐड करता हूँ, स्टूडेंट लिस्ट और स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड करता हूँ, मैं कोई वैल्यू ऐड करता हूँ मैं इसके अंदर, तो ये क्या होगा, ये लास्ट में अपेंड हो जाएगा, ना कि इसके ऑर्डर को चेंज करेगा। ठीक है, तो सचिन, राहुल, उसके बाद क्या हो जाएगा, धोनी वहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर को चेंज नहीं करेगा, ये हो गया ऑर्डर। एंड चेंजेबल मतलब वही कंसेप्ट कि हम लोग जो भी वैल्यू ऐड करते हैं लिस्ट के अंदर उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग लिस्ट के अंदर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग चेंजेबल। एंड डुप्लीकेट का मतलब होता है कि हम लोग इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इसको सचिन सचिन स्टोर कर दूं यहाँ पे, तो ये वैल्यू सेम एज इट इज हमें प्रिंट के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ, अगर देखेंगे सॉरी लिस्ट के अंदर जो मेथड होता है ऐड करने के लिए वो मेथड हम लोग यूज करते हैं अपेंड मेथड। ठीक है, अपेंड मेथड, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट किया था वो उसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ और ये लास्ट में जो वैल्यू हमने ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये लिस्ट का प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट हो गए। अभी हम लोग चेक करते हैं कि हमने सपोज लिस्ट क्रिएट कर लिया, अभी हमें चाहिए कि लिस्ट का लेंथ निकालना है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ लेंथ ऑफ लिस्ट। पाइथन में एक मेथड है लिस्ट के लिए len और हम लोग वेरिएबल नेम पास कर देंगे यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, जो भी अपना लिस्ट रहेगा उसका लेंथ हमें प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी लाइव एग्जाम्पल हमने अभी किया था कि स्टूडेंट लिस्ट हमने क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू ऐड किए, इसका लेंथ कितना था, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो अपना आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू कॉमा len और जो वेरिएबल्स रहेगा हम लोग वो वेरिएबल्स पास कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट, इसको मैं रन कर लेता हूँ, आउटपुट क्या, 5 है। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ लिस्ट का कंसेप्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि सपोज अगर लिस्ट ऑफ में जो अगर आइटम्स है उसका मुझे डेटा टाइप निकालना है, मतलब सपोज अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है
हमें चेक करने के इसका टाइप क्या है, लिस्ट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप के जो कंसेप्ट है वो हम लोग यूज करेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कैसे हम लोग टाइप चेक कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल्स का। तो मैं इसका क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ, टाइप डालेंगे और इसे कंसेप्ट होता टाइप विथ वेरिएबल नेम, ठीक है। तो इससे हमें ये डेटा टाइप जो है हमें मालूम पड़ जाएगा। इसको मैं कमेंट करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, इस कोड को मैं रन कर लेता हूँ। तो इसका टाइप क्या है, लिस्ट। सो ऑब्जेक्ट्स का टाइप क्या हो गया, लिस्ट टाइप होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट लिस्ट जो ऑब्जेक्ट है इसका टाइप क्या है, लिस्ट है। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट के डेटा टाइप को निकाल सकते हैं। अब एक लिस्ट में एक कंसेप्ट होता है कि अगर हमें सपोज लिस्ट क्रिएट करना है तो हम लोग लिस्ट को जो क्रिएट करने के टाइम पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, सेम चीज हम लोग लिस्ट के अंदर भी वो चीज कंसेप्ट यूज करके लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट क्रिएशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, लिस्ट क्रिएशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो इसका सिंटेक्स सबसे पहले जो है वो इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स अगर जब हमें क्रिएट करना रहेगा, सिंटेक्स क्या है कि जो भी हमें लिस्ट क्रिएट करना है तो हम क्या कर देंगे, लिस्ट उसका डेटा टाइप मेंशन कर देंगे, देन डबल, याद रखना डबल हम लोग राउंड ब्रेकेट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डबल ब्रेकेट्स, फर्स्ट ब्रेकेट्स एंड देन सेकेंड ब्रेकेट। तो इसके जो जो बीच वाला है वहां पे हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया, तो ये जो है लिस्ट अपना ऐसे में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अगर मैं नेम लिस्ट क्रिएट करता हूँ और ये वैल्यू मैं स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे लिस्ट करके, ये वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो जो लिस्ट जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें ये जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट होगा, ना कि कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। हमें जो है ये चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट होके आएगा, ना कि ये सॉरी ये राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ मैं नेम लिस्ट कॉमा नेम लिस्ट, और इसको मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एंड, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो ये हो गया नेम लिस्ट का एग्जांपल जो हम लोग ने आउटपुट में प्रिंट कर लिया। तो ये बेसिकली लिस्ट के जो कुछ चार पांच टॉपिक्स है जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो पहला टॉपिक था कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, उसका जो है रिविजन हो जाएगा अपना, ठीक है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल नेम क्रिएट करते हैं, देन स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, तो इससे अपना लिस्ट क्रिएट हो जाता है। लिस्ट के तीन प्रॉपर्टी होते हैं, ऑर्डर, चेंजेबल एंड डुप्लीकेट। तो ऑर्डर मतलब लिस्ट जैसा ऐड करेंगे वैसा उसमें ऐड हो जाएगा, चेंजेबल मतलब हम उसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं, और डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड है कि अपना अगर लेंथ ऑफ लिस्ट निकालना रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, तो लेंथ एंड देन उसका वेरिएबल नेम पास करेंगे, आउटपुट में हमें लेंथ ऑफ लिस्ट दे देगा, ठीक है। एंड अगर हमें चेक करना है कि जो लिस्ट हमने क्रिएट किया उसका डेटा टाइप क्या है, तो हम लोग टाइप फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, टाइप एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर उसका वेरिएबल नेम रख के उसका डेटा टाइप जो है निकाल लेंगे। फोर्थ वन, अगर सपोज हमें लिस्ट क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग लिस्ट का जो डेटा टाइप है वो मेंशन करेंगे, देन राउंड ब्रेकेट्स यूज करेंगे, डबल राउंड ब्रेकेट्स, हाँ यहाँ पे नोट करने वाला है डबल राउंड ब्रेकेट्स, और उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पास कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा अपना लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको टपल्स के ऊपर या फिर सेट्स के ऊपर या फिर डिक्शनरी के ऊपर मैं आपको इन डेप्थ में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।